एक तो ऐसा हुआ, आज का दिन ऐसा हो गया कि एक बहुत बड़ा आनंद हमने मनाया धारा 370 का, और उसके बाद हम सोच ही रहे थे तो ये एक ऐसा हुआ कि जैसा सिर पे पत्थर गिर गया, ऐसा बड़ा नुकसान आज देश का है। एक तरफ आनंद है तो एक तरफ ये इस प्रकार का दुख भरी कि जो पूरे जीवन में मैं कहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती तो बहुत ही थी, मेरे से उम्र में छोटी थी लेकिन कर्तृत्व में बहुत बड़ी थी सुषमा जी, और मेरी अच्छी मित्र तो थी ही। जब मिलते थे तो एक जैसे सामान्य महिला जैसी भी हमारी बातें घर घरेलू बातें होती थी, राजनीति की बातें होती थी, और राजनीति में मैंने देखा, उनसे सीखा भी बहुत, राजनीतिक विषयों का उनका जो अभ्यास था और उनकी जो स्मृति थी, उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प मेमोरी थी उनकी, बहुत बातें वो कभी कभी तो तारीख के साथ याद रखती थी। मुझे भी लगता था कि मैं भी राजनीति में हूँ, मैं भी बहुत सालों से पार्लियामेंट में हूँ, मगर मुझे इतनी तारीखवार बातें याद नहीं रहती, मगर उसको रहती थी, और इंसिडेंसेस भी बताती थी तो ऐसे बताती थी, किसी विषय का अभ्यास भी इतना माइन्यूट करके आती थी कि पार्लियामेंट में जब वो बोलने के लिए खड़ी होती थी तो हम सभी लोग, सामने वाले भी सुनते थे, और जब प्रहार करती थी सामने वालों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर कभी, या हम विपक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष पे प्रहार करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे सामने वालों की बोलती बंद हो गई, मगर यही उसकी क्वालिटी जो थी, यही क्वालिटी आप अगर देखो कि वो विदेशों में जब जाती थी तो ऐसा लगता था ये तो भारत की आवाज़ है, ये बोलने का तरीका, जब बात रखती थी भारत की तो दिल से जिसको हम कहते ऐसा वो बोलती थी, तो बहुत ही गजब का उसका वक्तृत्व तो था, इसमें कोई नहीं। और वैसे मिलती थी तो ऐसे सामान्य तरीके से महिलाओं से भी बात करती थी, और अलग किस्मत की महिला थी, सदैव हंसती रहती थी। अभी बहुत दिनों से वैसी वो बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, रहती थी कितनी खराब हो गई थी, मगर उसके भी पहले उनके डायबिटीज़ बीच बीच में बहुत बढ़ जाती, मगर ये सब सहन करते हुए उन्होंने जीत के साथ विदेश मंत्रालय संभाला। मैं तो कहूँ वो 5 साल भी उन्होंने जो निकाले हैं, जो मेहनत करी है, वो एक प्रकार से अपनी परवाह, शरीर की परवाह न करते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला बहुत ताकत के साथ। वही जो भी काम किया ताकत के साथ उन्होंने विदेश मंत्रालय में काम किया है, बहुत लोगों की, और जिसको हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत बड़ा नुकसान है, मगर इससे मैं, इससे ज़्यादा मैं कहूँगी एक कर्तृत्ववान राजनीतिज्ञ कैसा होता है उसका उदाहरण थी कि कोई भी काम दे दो, वो कोई भी काम मदद लोगों की करना हो किस तरीके से करे तो जुट जाके करती थी, या संगठन की दृष्टि से देखो तो संगठन जो बोलता था तैयार हो जाती थी, कभी ना नहीं किया किसी भी काम के लिए, संगठन में भी यहाँ से चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ लिया, मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री के लिए लीडरशिप करो, छोड़ो यहाँ से, छोड़ो वहाँ चले जाओ, यानी संगठन की बात को तुरंत मानती थी।